सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामर्थ्य और जिंदा नाम में सबको जय मसीह की। पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्यारे खुदावन, हम आपके पास आते हैं सुंदर से समय के लिए। राजा यीशु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो प्रतिभोर हम पर होता है। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता, जो आपने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना उन पर जाहिर करें और परमेश्वर पिता उन्हें सामर्थ्य दे, शक्ति दे प्रभु, उन्हें सुनने वाला मन दे और ग्रहण करने वाला आत्मा दे। राजा यीशु, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, हम धन्यवाद देते हैं। नासरी यीशु, आप हमारे सिखाने में मदद करें। परमेश्वर पिता, आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और अपनी बाइबल को खोलेंगे कि परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती, उसका 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम करूँगा। तो क्या करने की ज़रूरत है हमें? परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है और उससे विश्राम लेने की ज़रूरत है। हम जब परेशानियों में आ जाते हैं तब हमारा परेशानियाँ क्या हमारे से परमेश्वर के ऊपर हो जाती है हमारी परेशानी। हम दुखों से भरे हुए होते हैं तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसकी वजह से कि हम परेशानियों में, हम दुख में हैं क्या, इसकी वजह से हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम जब हमारे परिवार में, हमारा क्या बोलते हैं कि हमारे परिवार वाले ने हमारे ऊपर ये प्रेशर किया, हमारे परिवार वाले ने ये प्रेशर है, हमारा सब कुछ क्या है, हम बहुत ही परिश्रम कर तो रहे हैं लेकिन हम आगे निकल नहीं पा रहे। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम अब रुक जाओ, हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम क्या करो, अब रुक जाओ। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें अभी रुकने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा हमको कैसे विश्राम देगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं, हमारे जीवन में दुख होते हैं, तो हम परमेश्वर से भी शायद पूछते हैं, प्रभु ये हम पर दुख क्यों आ गए, प्रभु हम पर ये परेशानियां क्यों आ गई, प्रभु हम पर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है। लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते, प्रभु मैंने क्या गुनाह किया है, क्या हमने ऐसा किया है कि हम पर ये सब परेशानियाँ आ गई, ये सब दिक्कतें आ गई हमारे ऊपर, हमारे परिवार वाले दुखी हैं, हम दुखी हैं, हमारे जीवन से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनसे बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए। तो परमेश्वर कहता है, उन सब लोगों से कहता है कि तुम अब ठहर जाओ, अब तुम रुक जाओ। परमेश्वर का वचन बोलता है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन हमें बुला रहे हैं, हमें उसके नज़दीक जाने की ज़रूरत, हमें उसके सम्मुख जाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है। कि आज हम क्या है, हम परेशानियों में डूबे हुए हैं, हम दुखों में डूबे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें हमारे पास जॉब नहीं, हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम, हमारे पास परिवार में वो प्रॉब्लम है, क्या हम ऐसी ऐसी चीज़ों से क्या हुए हैं, डूबे हुए, क्या करते हैं, हमने बहुत परिश्रम तो किया है लेकिन हम में कोई बदलाव नहीं, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं। तो क्या करता है परमेश्वर, उन सब से कहता है, अब तुम ठहर जाओ, अब तुम रुक जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी को लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़ी छुड़ौती को लेकर आया हूँ। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम अब ठहर जाओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परेशानियों में होते तो परमेश्वर हमें बहुत बल देता है, हमें बहुत शक्ति देता है, क्या करता है, हमें अपने वचनों से भरता है, हमें अपनी सामर्थ्य देता है, हमें अपनी शांति देता है। जब कब देता है हमें, जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब उसके बाइबल में पढ़ते हैं, उसके जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसके वचन क्या है, हमसे बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जाके सच में परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या, परमेश्वर हमसे बात करता है। तो क्या बोलता है, बस तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, मेरे पास आने की ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें बुला रहा है,
मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपकी हर परेशानी से, हर दुखों से, हर बीमारी से, हर गरीबी से, जो आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक के, बहुत से लोग मसीह में आ तो गए हैं लेकिन उनके जीवन में बीमारियां हैं, उनके जीवन में क्लेश हैं, उनके जीवन में दुख हैं, तो क्या है परमेश्वर उन सब से कह रहा है, अब तुम ठहर जाओ, अब तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आ गया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आ गया हूँ, मैं उन क्लेशों से छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम ठहर जाओ, क्योंकि परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला है, परमेश्वर आपको छुड़ौती देने वाला है, परमेश्वर आपके घरों में शांति देने वाला है, परमेश्वर आपके घरों से बीमारियां निकालने वाला है, परमेश्वर आपको जीवन देने वाला है परमेश्वर। तो क्या है, हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। वो हमसे कुछ नहीं चाह रहा है, लेकिन वो एक बात चाह रहा है कि आप उसके पास आ जाओ, आप उसके नज़दीक आ जाओ। परमेश्वर कहता है तुमने पहला सब प्रेम छोड़ दिया है, कहता है तुमने पहला सब प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए हमें पहला सब प्रेम करना है परमेश्वर से। जब हम पहले पहले मसीह में आते हैं तो हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, तो उस समय क्या करता है परमेश्वर हमसे बहुत बातें करता है, बहुत सारी हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सब बातों को सुन लेता है। लेकिन आज वो समय है परमेश्वर से हम पूछते हैं क्यों परमेश्वर क्यों हमारे नहीं सुन रहे, प्रभु ये बीमारियां क्यों नहीं जा रही, प्रभु हमारे घर से क्लेश क्यों नहीं जा जा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हे सब परिश्रम करने वालों, तुम क्या है परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। और वो हमसे कहता है कि तुम क्या करो, यीशु के सम्मुख आ जाओ। हमें परमेश्वर उस जीवन देने वाला परमेश्वर, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, क्योंकि जब इजरायली प्रजा मिस्र से निकल रही थी तो क्या, जब लाल समुद्र सामने पड़ा तो क्या है, लोग वहां पर डर गए, तो कहते हैं कि तूने क्या मिस्र से तो निकाला है लेकिन क्या इस लाल समुद्र में ले जाके हमें मार डालेगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन मूसा के पास आया तो मूसा कहता है तुम खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें खड़े होने की ज़रूरत है, हमें रुकने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे लिए अपना उद्धार करे। तो आज आप अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो जब मूसा ने ये कहा कि खड़े खड़े देखो परमेश्वर का उद्धार, जब मूसा ने अपनी क्या क्या हाथों को फैलाया परमेश्वर के सम्मुख, तो क्या हुआ, समुद्र दो भागों में बट गया, तो क्या वहाँ से सूखी भूमि निकली, तब लोग स्थल स्थल निकल गए। लेकिन जो इसराइली सेना, मिस्र की सेना उसके पीछे पड़ी थी, क्या परमेश्वर ने उसे समुद्र में डुबाकर मार डाला। लेकिन जब परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आपकी परेशानियों को देखता है, लेकिन परमेश्वर को चाहता है कि आप उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कर लें, आप उसके लिए थोड़ा वक्त निकाल लें, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि हे प्रियो, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, हे मेरे बच्चों, परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ कि मैं तुम्हें अपने उद्धार को दिखाऊं। अगर हमें परमेश्वर के उद्धार को देखना है तो क्या है, हमें परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा, उससे पुकारना पड़ेगा कि प्रभु तू सच में तू हमें आरा उद्धार कर, तू सच हमारा क्या कर, हमें जीवन दे, तू हमें विश्राम दे, उससे कहना पड़ेगा। तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवनों में बड़ी शांति को लेकर आता है, बड़े चैन को लेकर आता है, बड़े अमन को लेकर आता है। हमारा परमेश्वर बड़ा शांतिदाता परमेश्वर है। तो क्या करना है, हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है, क्योंकि वर्ष में बताता है 11 के 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कह रहा है जो तुम परिश्रम अभी तक कर रहे थे, अभी तक जो तुम बोझ से दबे हुए थे, वो सब लोग क्या करो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपका बोझ हटाना चाहता है, आपकी चिंताएं हटाना चाहता है, क्योंकि आपकी चिंताएं उससे अधिक नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता हम पर डाल दो, क्योंकि मुझको भी तुम्हारा ध्यान है, अपने आप से तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बताता है तुम क्या करो, अपनी चिंता मेरे पर डाल दो, अपना बोझ जो है, जो तुमने अपने आप से उठा रखा है, वो चाहता है आप उस पर डालें, वो चाहता है आप उसको पुकारें, वो चाहता है कि आप उसको अपना बोझ उठा कर दे दें। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि हाँ
हम अपना बोझ परमेश्वर को उठा कर दे दें, लेकिन परमेश्वर हमारा बताता है कि हम क्या करते हैं, आपके बोझ को उठा सकते हैं, आपके आपको विश्राम दे सकते हैं, बस आपको मेरे पास आने की ज़रूरत है। हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस परमेश्वर के नज़दीक आने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा बोझ उठा ले, परमेश्वर हमें छुड़ा ले, परमेश्वर हमें विश्राम दे। बस हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने की ज़रूरत, क्योंकि यशायाह में लिखा हुआ है, यशायाह 40:29 में यहाँ पे लिखा हुआ, थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है वह थके हुए को बहुत बल देता और शक्तिहीन को क्या करता है, बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुमने बहुत परिश्रम कर लिया, तुमने बहुत अपना जीवन इधर उधर व्यतीत कर लिया, तुमने हम पर भरोसा ना रख कर अपने पर भरोसा रख लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे बोलना चाहता है कि आज अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो, आज अपनी परेशानियों को परमेश्वर पर डाल दो, आज अपनी बीमारियों को परमेश्वर पर डाल दो। वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपके दुखों को देखना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके घर में रहना चाहता है। बस क्या करना, हमें परमेश्वर को पूरे सच्चे दिल से बुलाने की जरूरत है, अपने उन गुनाहों से पश्चाताप करने की जरूरत है जिसके कारण हम क्या है उन बीमारियों में फंसे हुए, उन गरीबियों में फंसे हुए, उन क्लेशों में पड़े हुए। परमेश्वर उन सब से आपको निकालना चाहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाए तो क्या है अपने आप को दीन नम्र करें, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। जब हम परमेश्वर से कहेंगे कि यीशु तू सच में आ, तू मुझे पवित्र कर, तू मुझे शुद्ध कर, प्रभु मैं आज से तेरे साथ हो लेना चाहता हूँ, प्रभु मैं आज से तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तो परमेश्वर सच है कि वो आज ही से आपके साथ हो लेगा, बल्कि इसी वक्त से जब आप उसे अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपके साथ हो लेगा, आपके पास आ जाएगा, वो आपके घर में आ जाएगा, आपके घर में खुशियों को देने के लिए आ जाएगा। परमेश्वर हर क्लेश को हटाने वाला परमेश्वर, हर एक दुख को दूर करने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हमें जाने की ज़रूरत है। हालेलुया, तो परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु सच में मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, प्रभु मैंने तेरी दृष्टि में गुनाह किया है, प्रभु मैं अपनी चिंताओं को अब तक उठा कर लेकर चल रहा हूँ, लेकिन प्रभु आज से हम अपनी चिंताओं, अपने बोझों, अपने क्लेश, अपने दुख, अपनी बीमारियाँ, अपनी गरीबियों को प्रभु हम आपको देना चाहते हैं। प्रभु उससे कहें, और वो परमेश्वर है कि हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर और हमें ग्रहण करने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वह शक्तिहीन को बहुत बल देता है। हालेलुया, क्या अगर आप शक्तिहीन, जो आप शक्ति से हीन हो, अगर आप सामर्थ्य पाना चाहते हो, आप उससे शक्ति पाना चाहते हो, तो क्या है परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उससे प्रार्थना करना है, उन गुनाहों के लिए पश्चाताप करना है जो आज हमने किए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब हम गुनाह कर लेते हैं, कब हम पाप कर लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया, तो उसके वचन को हमेशा अपने हृदय में रखें, उसके वचन को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, हमें विश्राम देना चाहता है, उसके हमें नज़दीक आने की ज़रूरत, उसके सम्मुख आने की ज़रूरत है। तो सभी को जन्म से की परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु कि आपकी मदद करे, आपकी अगुवाई करे उसके सम्मुख जाने में और अपने आप को उसके सम्मुख ले जाने में, परमेश्वर आपकी मदद करे। और प्रार्थना करेंगे, प्यारे खुदावन हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, परमेश्वर पिता सच में परमेश्वर पिता आज हमें आप बुला रहे हैं, आप हमसे कह रहे हैं कि प्रभु हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। प्रभु आज हम तेरे सम्मुख आना चाहते, आज हम तेरे साथ आना चाहते, प्रभु तुझे अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आप दया करें, प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते जितने भी जो लोग प्रभु आज इसी समय पश्चाताप करे, प्रभु हमारी प्रार्थना है उनके जीवनों में आप आ जाए, उनके घरों में आप आ जाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आप दया करे, प्रभु आप हर एक जन को अपनी सामर्थ से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है प्रभु आप दया करे, परमेश्वर पिता जितने लोगों ने सुना है प्रभु, जो सुनना चाहते हैं प्रभु उन्हें आप आशीषित करे। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आप दया करे, प्रभु हर एक के लिए प्रभु तेरा वचन आशीष का कारण बन जाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आप दयालु धर्मी खुदा हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आप शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर पिता, हम
तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर पिता दयालु परमेश्वर, धन्यवाद नासरी यीशु मसीह, हम आपके नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ हो।